देखिए, हम लोग रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गए थे। अभी जस्ट रिकॉर्डिंग ऑन किया है मैंने, और अब देखते हैं व्हाइट बोर्ड का क्या कंडीशन है। चलिए, थर्ड वर्ड था मल्टीमीडिया। द फोर्थ वर्ड इज कॉन्फ्रेंसेस। कॉन्फ्रेंसेस, कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंसेस। चलिए, चौथा है कॉन्फ्रेंसेस। जल्दी लिखिए, कॉन्फ्रेंसेस। चौथा वर्ड है कॉन्फ्रेंसेस। आमिध्या की कॉपी मेरे सामने है, आदित्य मिश्रा की सामने है। मल्टीमीडिया लिख लिया है, कॉन्फ्रेंस लिखा है, बाकी क्यों नहीं लिखा है? एक और ये देखो, अदिति की कॉपी है, कॉपी सामने है। चलिए, कॉन्फ्रेंसेस लिख लिया आप लोगों ने। ये कौन है? आयुष 5। ये सिर्फ मल्टीमीडिया लिखा है आपने। आराध्या कुमारी ने 3 लिखा है, कॉन्फ्रेंसेस नहीं लिखे हैं। अभिनव ने कुछ नहीं लिखा है, चुपचाप सादी कॉपी रखी है अभी तक। ये कौन है? वेरी गुड, अपूर्व तैयर, इसने 4 लिखा है। नंबरिंग भी दे दो बेटा, तो ज्यादा बढ़िया है ना? नंबरिंग भी लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉन्फ्रेंसिस के बाद है इंटरटेनमेंट। द फिफ्थ वन इज इंटरटेनमेंट। पांचवा वर्ड है इंटरटेनमेंट। द फिफ्थ वर्ड इज इंटरटेनमेंट। चलिए, इंटरटेनमेंट आदित्य मिश्रा ने भी लिया, वेरी गुड। आनिध्या ने भी लिख लिया। देखिए आनिध्या की कॉपी। चलिए, अदिति की कॉपी देखूं। अदिति, 2 के बाद तीसरा क्यों नहीं लिख रहे हो आप? लिखो जल्दी, अभी तक आपने कम्युनिकेशन और अवेयरनेस लिख के छोड़ा हुआ है। ये है आराध्या कुमारी। आराध्या कुमारी ने 5 लिखा है, वेरी गुड। चलिए, सबकी कॉपी सबको दिख रही है ना? ये बड़ी बात है, सबकी कॉपी सबको दिख रही है। देखिए सारे बच्चों की, यहाँ देखिए, इधर चंद्रभूषण ने बस एक लिखा है। इतिशा, आपको मैं कह रही हूँ कि टाइप करके लिखो, तो टाइप करके लिखो। निकिता, निकिता सही लिख रही है। प्रखर, अब हम लोग इसी पे टेस्ट लेंगे सामने सामने, ठीक है? शिवानी सिंह, आप सही से नहीं लिख पा रही हैं, है ना? ये कौन है? तबस्सिर जमान, ये सही है, इनका लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, 5 हो गया। अगला है डेमोस्ट्रेशन। द नेक्स्ट वर्ड इज डेमोस्ट्रेशन। चैट बॉक्स देखूं बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं। मैम, क्यू सेंड वंस अगेन द लिंक। बेटा लिंक भेज दो आप लोग, बच्चे मांग रहे हैं लिंक। ठीक है, मैं ही भेज देती हूँ। लिंक भेज दिया मैंने फिर से, ये फटाफट। नेक्स्ट वर्ड था डेमोस्ट्रेशन। डेमोस्ट्रेशन, डेमोस्ट्रेशन, ओके, इज डेमोस्ट्रेशन। हर्ष कुमार सोनी ने कुछ भी नहीं लिखा है। मानस झा ने सिर्फ कम्युनिकेशन लिखा है। सबकी कॉपी मेरे सामने है, क्या लिख रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मुझे अब बैक कैमरा ऑन करवाना नहीं है, सब कोई सामने से दिख रहा है मुझे, है ना? डेमोस्ट्रेशन छठा। तबस्से जमाल फटाफट लिख रहे हैं, यूसुफ भी लिख रहे हैं फटाफट, वेरी गुड। इसके बाद रौनित रंजन बिल्कुल फटाफट लिख रहे हैं। निकिता ने भी सही 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 से जल्दी से लिखा है। प्रखर का 5 हो गया, छठा बाकी है। ग्रिशंत मौली ने भी पूरा लिख लिया है। आयुष ने भी लिखा है, गुड। दोनों आयुष ने लिखा है। अपूर्व ने भी लिखा है, गुड। अनुष्का ने भी लिखा है। अनिध्या, इधर का उधर क्यों लिख रहे हो? ये क्यों ऐसा पेज लिया है तुमने? ब्लैंक पेज लिखोगी ना तो लोगी ना बेटा, तो इजिली लिख पाओगी। तुमने ऐसा पेज लिया है ना कि उसमें आपका ऊपर नीचे हो जा रहा है। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, अभी से कुछ चेंज मत करिए, नहीं तो डिलीट होने की संभावना है। चलिए आगे देखिए, डेमोन्स्ट्रेशन के बाद जो है द सेवंथ वर्ड इज डिस्टिंक्शन।
एडवांटेजेस. द नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेजेस. अगला है डिसएडवांटेजेस, है ना. चलिए अगला वर्ड है डिसएडवांटेजेस. फटाफट लिखिए डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस लिख रहे हैं आप लोग. स्क्रीन देखो, बच्चे हमसे जुड़े हैं. वेरी गुड. डेमोन्स्ट्रेशन के बाद हर्ष कुमार सोनी. हर्ष कुमार सोनी भी लिख लिया, कहीं से कॉपी किया है हर्ष इतना जल्दी में. निकिता प्रखरा, शिवानी. शिवानी ऐसे नहीं लिखो बेटा, ये जैसा जो बना हुआ है ना उसको जाओ, वहां पे आपको टेक्स्ट दिखेगा उसको ये करोगी ना तो आपका सही से होगा. उज्ज्वल आपने भी कुछ नहीं लिखा अभी तक. देखिए बाकी बच्चे कितने फास्ट हैं, कितने अच्छे से फटाफट फटाफट लिख रहे हैं. अब तो क्वेश्चन आंसर भी मैं इसी में लिखवाने वाली हूँ आपसे. देखिए जिनको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे लिखें, ये मेरा माउस का ये देख रहे हैं, ये देख रहे ए जो बना हुआ है ना बेटा, यहाँ ए जो बना हुआ है जब आप ए को दबाएंगे तो टेक्स्ट में होगा और आप टाइप करके लिख सकते हैं. ठीक है, तब आप टाइप पेंसिल वगैरह वाला जब लेंगे ना तो फिर आपको टच करते हुए लिखना है, लेकिन आपको टाइप करना है. ठीक है, टाइप्ड मैसेज में भेजना है तो वो क्लियर रहेगा. ठीक है, समझ में आ रही बात, आ रही बात समझ में. चलिए कितने वर्ड्स हुए, कौन बताएगा. आदित्य मिश्रा, कितने मैम. सेवन वर्ड्स. सेवन हुए ना. चलिए मैम सेवन हो गए ना. चलिए अब yes, देखिए the name of the person who invented computer. अब अपने मन से लिखना है उस इंसान का नाम जिसने कंप्यूटर इन्वेंट किया. मैं बताऊंगी नहीं कि आपको क्या लिखना है, बट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द पर्सन हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर. पहले तो आपको ये जानना होगा कि किसने किया और उसके बाद उसका नाम का स्पेलिंग याद रखना होगा, लिखना होगा. आठवां यही है. चलिए फटाफट. ये तीन लोग बैठ कौन कर रहे हैं, ये आयुष कुमार तुम अकेले नहीं बैठे हो, तीन लोग को बैठा के क्वेश्चन करवा रहे हो, ये बहुत गलत बात है. जो भी तुम्हारे पास है उसको बोलो, अनम्यूट करो तो पहले खुद को. आयुष तीन लोग एक साथ बैठ के नहीं करते. आप स्टूडेंट. नो मैम. मैम मेरा लिंक, मैम लिंक नहीं आ रहा था इसलिए भैया को बुलाया देखने के लिए. अब आ गया ना. यस मैम. भैया को बोलो अपने जाए घर, जहां जाना है वहां. ठीक है, चलिए हो गया आठवां. आठवां किसी ने सही लिखा है कि नहीं, मुझे अभी तक नहीं दिखा है. देखूं कौन लिखा है, कौन लिखा है, कौन लिखा है. हाँ, तबस्सुम जमाल ने लिख लिया है, दिख गया मुझे. वेरी गुड. अब कौन कौन और लिखा है, और तो किसी का दिखा नहीं मुझे. हाँ वेरी गुड, ग्रिशंत मॉल ने भी लिख लिया है और ये आयुष कुमार ने भी लिख लिया है. आयुष कुमार, दोनों आयुष ने लिख लिया है. पूर्व ने भी लिख लिया है. अनुष्का ने भी लिख लिया है. अनिध्या ने भी लिख लिया है. अदिति ने नहीं लिखा है, छठा तो छोड़ ही दिया अदिति ने, सिक्स्थ वन को छोड़ दिया है, स्किप कर दिया है. चलिए ठीक है, एट हो गए. अब नाइन्थ है. द नाइन्थ वन इज ऑर्गेनाइजेशन. द नाइन्थ वन इज ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन देखिए. ऑर्गेनाइजेशन हो गया. ऑर्गेनाइजेशन अभी तक देखूं किसने लिखा है. ऑर्गेनाइजेशन किसी ने नहीं लिखा है, अपूर्व ने. लेकिन आपका आठ ही कैसे हुआ, ये नाइन्थ था ना बेटा, किसी को आपने छोड़ा है इसका मतलब. आयुष ने लिख लिया है. गुड. नंबरिंग नहीं किया आयुष, आप नंबरिंग कर लेना चाहिए था. दोनों आयुष ने लिख लिया ऑर्गेनाइजेशन. और निकिता ने भी लिख लिया है, प्रखर ने भी लिख लिया है. वेरी गुड.
तबसिर जमान ने भी लिख लिया है, वेरी गुड। चलिए लास्ट वन, जस्ट हम लोग whitewood.5 का ट्रायल ले रहे थे, ठीक है, whitewood.5 का हम लोग जस्ट ट्रायल में है, इसलिए अभी 10 करवाते हैं। और लास्ट वन जो है वो थोड़ा सा इजी 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 पूछती हूँ, और इजी में आपको बस लिखना है, क्या लिखना है, हानफू, हानफू जो ट्रेडिशनल ड्रेस है चाइना का, हानफू, हानफू लिखिए फटाफट, हानफू, हानफू, ओके। अनिध्या ने लिख लिया, गुड, वेरी गुड। अब मैं चैट बॉक्स में आप लोग को भेजूंगी और आप लोग मिलाइएगा, ठीक है, अभी आपको एक वर्क दे रही हूँ, सबका मैं क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। सारे बच्चे न्यू पेज ले लो, पहले सारे बच्चे न्यू पेज लो, इसको छोड़ो, स्पेलिंग टेस्ट देख लिया मैंने, है ना, सारे बच्चे न्यू पेज लीजिए, न्यू पेज ले लीजिए बेटा, न्यू पेज का ऑप्शन होगा वहां से आप न्यू पेज ले लीजिए या फिर इसको इरेज कर दीजिए, ठीक है। क्लियर करोगे ना तो क्लियर हो जाएगा, जैसे मैंने अपना क्लियर किया, ठीक है। यहाँ पे जाओ, ये जो इरेजर जैसा है, एक इरेजर जैसा दिखेगा, इसको जब दबाओगे ना तो फिर दिखेगा क्लियर फोरग्राउंड बट कीप बैकग्राउंड, क्लियर फोरग्राउंड बट कीप फोरग्राउंड, है ना, क्लियर बोथ फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड, इसको करोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये करना है कि मुझे फटाफट आज मैं ड्रॉइंग देखना चाहती हूँ कि आप लोग कैसे ड्रॉइंग बनाते हैं, और ड्रॉइंग के लिए आपको यहाँ जाना होगा, ड्राइंग के लिए आपको ये टूल लेना होगा और इससे ड्राइंग करना होगा, समझ गए ना, कुछ भी बनाना है तो इससे बनाना है, इससे बनाना है, देन इससे कलर करना है, कलर ले लोगे, कलर को लेके फिल कर दोगे सर्किल या जो भी है, कलर को लेके यहाँ पे कलर लोगे और कलर को लेके और यहाँ पे चाहो तो फिल कर दोगे, ठीक है, समझ गए। तो आपको जो है वो क्या करना है, जो कहूंगी वो बनाना है। अब मैं आप लोगों का स्क्रीन, आप लोगों का देखना चाहती हूँ कि क्या बनाना चाह रहे हैं आप लोग, मुझे जल्दी से एक किसी भी एक मींस ऑफ कम्युनिकेशन, किसी भी आइदर पर्सनल और मास का एक पिक्चर बनाइए, अपने व्हाइट बोर्ड पे एक मींस ऑफ कम्युनिकेशन का पिक्चर बनाइए फटाफट, ड्रॉ पिक्चर ऑफ एनी वन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अब मैं आप लोगों का देखना चाहती हूं कि आप लोग कहां पे पहुंचे, चलिए फटाफट क्या कर रहे हैं आप लोग, अपना पहले का मिटाइए, ये क्या बना रहा है आयुष, अब ड्राइंग बनाना है, अब आपको ड्राइंग टूल में आना है बेटा, अब आपको वो नहीं बनाना है, ठीक है। अब जो आप अभी तक जो टेक्स्ट लिख रहे थे, टेक्स्ट नहीं लिखना है, अब ड्राइंग वाला पेंसिल लेके अब ड्राइंग बनाना है और देन उसको कलर करना है, ठीक है।
ये सब सीखना होगा धीरे धीरे हम लोगों को। चलिए बनाइए तो बेटा, सबकी कॉपी में लिखा हुआ है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एनीवन मींस ऑफ कम्युनिकेशन। अब मैं देख रही हूँ कि आप लोग कैसे बनाते हैं, कौन कितना कैपेबल है, ये देखना है मुझे। जल्दी देखो, कुछ बच्चे बना भी लिए। काशी क्या बना रही है? टीवी, वेरी गुड। इधर देखो, ये टेलीफोन बना दिया है ना, आयुष ने टेलीफोन बना दिया। मैम, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम यू आर म्यूट। ओके ओके मैम, देखो आराध्या कुमारी ने कितना सुंदर सा रेडियो बना के रखा है। देखो आराध्या, अच्छा सा बनाया ना। इस तरह से हम लोग कोशिश कर सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं, क्रिएटिविटी। अब देखो, अब लाइफ जो है ना, बहुत ज्यादा ऑफलाइन कागज पे नहीं होता है कोई भी काम। सारा काम जो है ना, अब आपका प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ इसी में है, तो हमको अब इसी में सीखना है सब कुछ। ये न्यूज़पेपर बना दिया अर्नोरा, ऐसा कौन सा न्यूज़पेपर होता है जी, कुछ लिखा भी नहीं है, ब्लैंक न्यूज़पेपर। ऐसा न्यूज़पेपर देखा है आप लोगों ने जिसपे सिर्फ न्यूज़पेपर ही लिखा हो और कुछ ना लिखा हो? क्या अर्नो, अनम्यूट करो तो, इसमें क्या पढ़ू मैं तुम्हारे न्यूज़पेपर में? लाइन भी तो खींचते ना एटलीस्ट, कि पता चलता कि कुछ लिखा हुआ है। अभी क्या देखू मैं बताओ? यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं जिनको ले आप बना सकते हो, जैसे सर ये इससे खींच सकते हो आप चौड़ा सा, ठीक है? ये जो अगर आपने ले लिया तो क्या खींचना है, जैसे सर्किल लेना है तो सर्किल आप अगर खींचना चाहो तो सर्किल बना सकते हो। ऐसे ऐसे करके कोई भी चीज जो भी आपने आप इस ढंग का बनाना चाहते हो, तो थ्री कॉर्नर्स, फोर कॉर्नर्स, फाइव कॉर्नर्स, जितने भी कॉर्नर्स वाले चाहिए ऐसा करके आप बना सकते हो। ये सारी डिजाइनिंग कर सकते हो। कलर जो आप चूज करोगे, कलर यहाँ से चूज करो, और कलर रेड, येलो, कुछ भी जो भी आप, जैसे कि अभी तक ब्लू हो रहा था, ठीक है? अब मैंने सर्किल लिया और अब हम बनाएंगे तो रेड होगा, ठीक है? तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। फिर आप इसको, ये पेंसिल लेके इस पे कुछ डिजाइनिंग बना भी सकते हैं ऐसे करके। मान लीजिए ये राउंड बना दिया मैंने, अब इसमें मुझे तो ड्राइंग ज्यादा आती नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग तो बहुत क्रिएटिव हैं, ऐसे करके
ऐसे करके कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बनाना है, फ्लावर बनाना है, कुछ भी बनाना है आप बना सकते हैं, है ना। तो मोबाइल बनाने के लिए तो आप इन सारे शेप्स को ले सकते हैं, टेलीविजन बनाने के लिए ले सकते हैं, रेडियो बनाने के लिए ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। ये किसने बनाया? अदिति ने बनाया। अदिति क्या बनाया आपने? आराध्या का तो बहुत सुंदर सा बन के तैयार। अदिति क्या बनाई है? कुछ समझ में नहीं आया बेटा। तो क्या है, आप लोग देख के बताइए। अदिति क्या है ये? टीवी है मैम। ये मैम ये रेडियो हम बना रहे थे मैम, ये बार बार उल्टा सीधा हो जा रहा था। ये देखो कितना सुंदर टीवी है, देख रही हो? आराध्या ने बनाया है मैम। डिजिटल आर्ट है इसलिए बहुत डिफिकल्टी हो रहा है। और मैम वो जो स्पेलिंग वाला था ना, तो मैम उसमें हम लिख रहे थे, लिख दे, आपके पास जा ही नहीं रहा था। नहीं होता है कुछ ना कुछ, ये सब तुमको टेक्निकली साउंड होना होगा बेटा। अब लाइफ जो है ना हमारी, इन सब पे ही डिपेंड है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को नए नए एप्स बताऊं, नया नया कुछ करवाऊं, है ना। सिर्फ बुक की पढ़ाई से लाइफ नहीं चलनी है, अब कुछ हम लोगों को अब नया करना है, नया करना ही होगा, तभी कुछ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जनरल बुक में क्या लिखा हुआ उसको पढ़ना, वो तो सब कोई कर रहा है। अब हम लोगों को लाइफ इस ढंग से जीना है कि हर चीज हम लोग डिजाइनिंग जो है, कॉपी पे डिजाइनिंग तो करते ही हैं, यहाँ पे भी हम लोग डिजाइनिंग सीखिए, जो मैं नहीं कर पाई वो आप लोग करो, है ना। अभिनव क्या बनाया? 3D बनाया। अभिनव क्या बनाया बेटा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बक्सा जैसा है, क्या है ये? अभी बोलो मिठा क्यों रहे हो? अनुष्का ने क्या बनाया? अनुष्का क्या बनाया बेटा? पोस्ट कार्ड, गुड। क्या बनाया अनुष्का बता? मैं स्टॉप करती हूँ शेयर, और अब आप लोगों से पूछती हूँ कि आज जो हमने किया कैसा लगा आप लोगों को? आज थोड़ा सा हमने कुछ अलग किया, थोड़ा व्हाइट बोर्ड शेयर किया, उस पर हम लोग सबका देख पा रहे, तो आप लोगों को कैसा लगा? धीरे धीरे ना बेटा आप लोग हैबिचुएटेड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे जो है मैं कोशिश करूंगी कि टेस्ट लूं, और टेस्ट लूंगी ना तो आपकी कॉपी शो नहीं करूंगी सबको, है ना। शो करने से क्या होता है ना, उसका देख के दूसरा लिख लेता है, तो ज्यादा नहीं, बस एक क्वेश्चन का आंसर या दो क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस पे लिखेंगे, तो धीरे धीरे हम लोग टेक्नो फ्रेंडली हो जाएंगे, जो होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, है ना। आज की दुनिया में, आज के लाइफ में बहुत ज्यादा जनरल सिंपल होके काम नहीं चल सकता, हमें इन चीजों को फेस करना ही है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी होता रहे, लेकिन ये सारी चीजें हमारे लाइफ का हिस्सा है, तो हमें इस पे भी ड्राइंग, इस पे भी डिजाइनिंग, इस पे भी स्पेलिंग लिखने का प्रैक्टिस, हर चीज हमें इस तरह से भी करना होगा, ठीक है। और इसलिए मैंने सबके सामने शो किया ताकि आप लोग भी देखिए कि दूसरा कैसे अच्छे से कर रहा है, तो आप भी करने की कोशिश करें। कुछ लोग बहुत इजिली कर पा रहे थे, जैसे तबस्सिर जमान अभी सुन रहे हैं तो ऑन करिए, आयुष अगर सुन रहे हैं तो अपनी आवाज को अनम्यूट करिए बेटा, दोनों आयुष कर रहे थे बहुत इजिली, है ना, तो अनम्यूट करिए खुद को और बताइए कि आप लोग कैसे इतनी आसानी से कर रहे थे, बाकी बच्चों को क्यों परेशानी हो रही थी। अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, अनम्यूट करिए खुद को। अच्छा मैं पार्टिसिपेंट्स को, हाँ चलिए अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। बोलो। यस मैम। बताओ नाम बताओ पहले अपना। हम आयुष कुमार। आयुष बोलो। मैम तबसीर जमान। आयुष पहले बोलो तुम। मैम मुझे टाइपिंग करने का हैबिट है इसलिए मुझे दिक्कत नहीं हो रहा था। टाइपिंग करने का हैबिट है, अच्छा। यस मैम। क्यों हैबिट है पहले ये बताओ मुझे, टाइपिंग करने की हैबिट क्यों है? बोलो बोलो। अच्छा तबस्सिर तुम बताओ, कैमरा ऑन करो बेटा पहले, तबस्सिर बताओ बेटा क्या लग रहा था। यस मैम बताओ।
मैम मुझे ड्राइंग करने का अच्छा हैबिट है और मैं स्पेलिंग भी रिवाइज करता हूँ इसीलिए। अरे वाह वेरी गुड। अनिध्या कहाँ हो तुम? अनिध्या आप अपने प्रॉब्लम्स या फिर जो भी इंटरटेनमेंट या फिर जो भी मस्ती आई उस बताइए क्या लगा आप? Ma'am, it was great and we can learn something, but ma'am, my page was changing continuously. I was not understanding how it happens. Okay. Ma'am, in my... Try to adjust yourself. These things, है ना? हम लोगों को अब इसमें adjust होना ही होगा. धीरे 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 करके, क्योंकि अभी अभी क्या आप सुनते होंगे पहले सब कुछ ऑफलाइन होता था, एग्जाम से लेके हर चीज ऑफलाइन होता था ना, लेकिन अब बड़े बड़े जो एग्जाम्स इंजीनियरिंग आईआईटी जैसे एग्जाम सारा कुछ अब ऑनलाइन, चाहे पेंडेमिक हो नहीं हो ऑनलाइन होता है सब कुछ. हमें टेक्नो फ्रेंडली होना होगा और क्यों ना हम शुरू से ही होना शुरू करें. इसलिए पता नहीं बाकी टीचर्स क्या करवाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ तो हम लोग नया करें, है ना? मेरी ये कोशिश होती है ताकि हम लोग कुछ नया करें, हम लोग उबे नहीं, थोड़ा कुछ नया सीखे, पढ़े भी और थोड़ा मस्ती भी करे, थोड़ा इंटरटेनमेंट भी करे, कभी डिबेट करवा ले, कभी इस ढंग का कुछ कर ले. ठीक है, अगला जो दिन होगा क्विज होगा. मैम